మా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే బేసికల్గా మేము డైలీ 32-38 ఆర్డర్స్ డెలివరీ చేయాలి. 38 ఆర్డర్స్కి 3-4 లీటర్స్ పెట్రోల్ పడుతుంది. పెట్రోల్ ఛార్జ్ పర్ లీటర్ 110 రూపీస్ ఉంది అప్రాక్సిమేట్లీ. సో మాకు 400 రూపీస్ అక్కడే వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో మాకు సేవింగ్స్ ఉండట్లేవు బైక్ నడిపించాలంటే సేవింగ్స్ కా. సో అందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఫ్యూచర్లో మన గవర్నమెంట్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మాకేమైనా సొల్యూషన్ ఉంటుందా పెట్రోల్? జో హమారా రోజ్ గారి జో 400 రూపాయ మిల్తా. ఓకే, సో మాకేమైనా సొల్యూషన్ ఏమైనా దొరుకుందా మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో? సో వీఆర్ ఆల్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లం. मेरी ये अपील है कि साहब से कि हम लोग सब PF SI और जो एक्सीडेंट्स में जो इंश्योरेंस मिलेगा वो हम लोग के वास्ते प्रोवाइड करो बोल के एक अपील थी हमारी कि PF SI हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है. तो हमारे ये अपील है कि साहब से कि हम लोग को ये PF SI और ऑर्डर पर बहुत मिनिमम 20 रुपीज़ है, इसके ऊपर कुछ बेस बढ़ाने के लिए अपील है कि 35-40 रुपीज़ कीजिए. और ऑर्डर पर किलोमीटर 5 रुपीज़ है. मैं ये अप्रील करना चाहता हूँ कि मिनिमम 8-10 रुपीज़ तो पर किलोमीटर रहना चाहिए, क्योंकि लीटर पेट्रोल है 112 रुपीज़. तो वो 112 रुपीज़ में गाड़ी का माइलेज रहता है कि 45-50 माइलेज रहता है. उसके अंदर हम लोग करना बोले तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है ये ट्रैफिक में, और हैदराबाद में तो फुल ट्रैफिक रहता है. तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक स्विगी डिलीवरीज बॉयज़ के वास्ते एक PF SI ऐसा कुछ हम लोग को भी ऐसा कुछ प्रोवाइड कीजिए. गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे को PF SI बहुत ज़रूरी है वो, और मिनिमम बेस हम लोग को 35-40 रुपीज़ चाहिए, और पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ पर किलोमीटर को डिलीवरी चार्ज चाहिए. ये अपील है सर आपसे हमारी बस. और हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को ये स्विगी डिलीवरी बॉयज को अगर बाइक्स भी अगर प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छी बात है सर, कि तो हम लोग को और बहुत खुशी होगी सर. बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर. सर गुड मॉर्निंग सर, एंड वेलकम टू हैदराबाद तेलंगाना सर. सर माय नेम इज मोहम्मद फेरोज खान, आई एम वर्किंग इन स्विगी फ्रॉम 2017. सो सर जब मैं 2017 में काम कर रहा था तब ऑर्डर को 40 रुपीज़ था सर. तो अभी हल्लू नीचे होते जा रहा सर. अभी ऑर्डर को हम लोग 20 रुपीज़ दे रहे, 5 किलोमीटर्स ऑर्डर पर ऑर्डर 20 रुपीज़ है सर. फिर वहाँ से हमको रिटर्न ऑर्डर नहीं रहता, वहाँ से रिटर्न आना 10 किलोमीटर्स हो जाता सर. जब 2017 में पेट्रोल 80 रुपीज़ था सर, अभी 110 हो गया सब. पेट्रोल के हद से ऑर्डर को कुछ लिंक नहीं है सर, वहाँ से कमी हो रहा. प्लस सर इंश्योरेंस एंड PF हम लोग एनी टाइम स्विगी में कंप्लेंट्स करे सर, नहीं है सर अभी तक. इंश्योरेंस एंड PF सर, वी आर वर्किंग फ्रॉम 6 ईयर सर. अभी हम लोग वो लोग से भी कुछ प्रॉफिट नहीं है सर, गवर्नमेंट से भी कुछ प्रॉफिट नहीं है सर. तो वी होप फ्रॉम कांग्रेस फॉर डिलीवरी बस. सब यहाँ पर SSC करे सो है सर, डिग्री करे सो है, मगर हमारा इमेज सिर्फ एज ए डिलीवरी बॉय ही है सर. 5-10 किलोमीटर्स हम लोग ऊपर IC चढ़कर जाकर देकर आते सर. इमेज हमारी एज ए डोंकी सी है सर. इधर कुछ हम लोगों को इधर बड़ा कुछ नहीं है सर, इम्प्रूवमेंट्स कुछ भी नहीं है सर. आप इससे पहले आपका प्लान क्या था? आप यही करना चाहते थे या आपका कोई और प्लान था? नहीं सर, देखो अगर यहाँ पर हमारे कुछ अच्छा मिलता काम करने के लिए तो करते थे सर. कुछ नहीं रहने की वजह से हम लोग डेली वेजेस पे काम करें सर. ये हम लोग आज कम करें तो आज का पैसा कल मिलता सर, कल का परसों मिलता सर. उसमें भी सर 12 hours, 13 hours, 14 hours वर्क करके सर हम लोग को सिर्फ 1000 rupees भी गेन नहीं होता सर. उसमें से 200-300 पेट्रोल के लिए चले जाता सर. प्लस सर इसमें हम लोग को कंटिन्यू ऑर्डर्स भी नहीं रहते सर. एक पीक टाइम रहता सर, वो पीक टाइम पे जितना भाग सकते हो उतना भागना है सर. वो भाग है सर, पढ़ना है सर, जो भी XYZ है, फैमिली का रिस्क लेके हम लोग रोड पे फिरने का है सर. हम लोग सर सबको खाना खिला के हम लोग 4-5 बजे खाना खाते सर. 12 बजे से लेके 3 बजे तक कस्टमर का टाइमिंग रहता. हम लोग को खाना 4-5 बजे रोड पे बैठ कर खाना पड़ता सर. नाइट के ऑर्डर्स के लिए हम लोग रोड पे सो जाते सर. नाइट ऑर्डर्स के लिए बहुत फेसिंग है सर, प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे एग्जीक्यूटिव. थैंक यू सर, एंड वी होप कांग्रेस फ्रॉम तेलंगाना सर. थैंक यू सर.
थैंक यू। आपने जो हमारा राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून है उसके बारे में सुना है? नहीं सर। और सर हम लोग ये सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से उठ के 12, 3, 4 या मॉर्निंग 6 तक करते सर, और इसका भी गारंटी नहीं रहता कि हम अमाउंट कितना करते। वो ऑर्डर बेसिक कम भी आ सकता, ज़्यादा भी आ सकता, उसमें अमाउंट ज़्यादा कमाते बल्कि भी गारंटी नहीं है। हम निकलते ये शोर समझ के कि 1500 रुपये 1000 रुपये कमाएंगे बोल के, अगर वो भी कमाए तो उसमें 300-400 रुपीस पेट्रोल को चल जाता, 300 भी जा सकता, 400 भी जा सकता। एक एक घंटा दो दो घंटे वेटिंग करने के बाद भी गिरता सर। ऐसा भी प्रॉब्लम होता डेली 150 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स फिरते सर। यहाँ से नाइट में जाते सर, जैसे कि बहुत दूर दूर रहता, जंगल्स के साइड भी जाना पड़ता सर, वो साइड भी हमारे को रिक्स बहुत रहता, फिर भी जॉब करते सर। क्यों बोलते, फैमिलीज को पालना है सर। और ये जो स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, ये आप खरीदते हो? जी सर, हमारा ही रहता सर, ओन व्हीकल रहता है। जी हमारा ओन व्हीकल खरीदते हो? हाँ, लोन लेके खरीदते सर। और वो कैसा रहता बोलते, 20,000 सर, ये 3-4 महीने काम करने के बाद या 6 महीने काम करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 100-200 रुपये अगर बैक सेट डाले तो जब 20,000 रुपये ऐसा जमा होता, तब हम लोग जाके डाउन करके बनते हैं सर। उसके बाद आता है फिर उसका भी ईएमआई रहता सर। तो कितना कितना टाइम लगता है उसका जो पेमेंट है उसको पे करने के लिए? पे करने के लिए सर ये 18 मंथ्स रहता सर, 24 मंथ्स रहता, 36 मंथ्स रहता। ये पे करने के लिए करीब करीब हमारे को 1.5-2 साल खाली गाड़ी के फिरने के लिए जाते सर। और गाड़ी कितने की होती है? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आ रहा है सर अब तो अमाउंट फिर। 1.5 लाख रुपए आ रहा है। आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? अब तो स्प्लेंडर फैशन वगैरह है सर, पर वो भी न्यू मॉडल है, उसमें माइलेज कम है। जो ओल्ड व्हीकल्स रहते थे ना ये 2004 के पहले, वो व्हीकल्स में माइलेज बहुत अच्छा रहता था। आपके लिए माइलेज सबसे जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें क्या होता है, अब हम लोग चला रहे गाड़ी की सर्विस पर मंथ हमारे 1000 रुपीज 1500 रुपीज गाड़ी के लिए जाते है सर, वो सर्विस जाते हैं हम लोग को। आपका कोई संगठन है? नहीं सर। वेलफेयर बोर्ड है? नहीं सर। हम अगर कुछ स्विगी से अगर कंप्लेंट भी करे, अब जैसे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है, अब जैसे कि ड्रिंकिंग कैंडिडेट्स रहते सर, हम लोग नाइट में गए 2-4 बजे, अगर वो ऑर्डर ले लेता है उसमें भी हमारे को बहुत जानकारी रिक्स रहता है, वो डराता है, खींच लेता है। एक्सीडेंट होता है तो बहुत होता है सर, बहुत होता है, होता है सर, बहुत होता है। सुनो ना सुनो, तो इंश्योरेंस मिलता है आपको इन लोगों से? नहीं सर। नहीं मिलता? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं सर। हो गया तो आपको पैसा देना पड़ता है? जी सर। आप लोगों में से कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कैसा हुआ आपका एक्सीडेंट? ये इनको माइक दो, शाबाश। आपको कुछ और कहना है बोलो, खत्म करो। नहीं, अमाउंट का प्रॉब्लम है सर, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे, हम लोग को 1000 रुपए नहीं बन रहे सर, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे, ऑर्डर को 20 रुपीज रहते सर, सिर्फ 20 रुपीज कमा रहे। आइए अब हम कहीं रोड पे जाएंगे, अगर हमारे को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, हम अगर खाना भी चाह रहे हैं तो 50 रुपए 100 रुपए से कम नहीं है सर, उससे दूसरा हमारा स्विगी से परचेस आ रहा है सर, चाय का 20 रुपए मिल रहा सर, पीने के लिए चाय को 20 रुपए हो रहा है, हमारे ऑर्डर को 20 रुपए आ रहा है। अब इनको बोलने दीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रसन्नजीत सरकार है सर, मैं स्विगी डिलीवरी इंस्टामार्ट का हूँ सर। तो सर आपका सामने ऐसा फेस टू फेस बोलेंगे बोल के जो मेरा प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम है, मैं लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था, तो ये मेरे लिए एक सपना है सर, मेरा तरफ से सर, तो आपके लिए सर मेरा तरफ से नमस्ते सर। सर तो एक आप शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ, आप जैसे एक दिन का एक्सपीरियंस आप मुझे समझाओ सर, जैसे एक दिन लो, कोई भी दिन लो और मुझे बताओ कि मैं 6 बजे उठा, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये डिलीवर किया, फिर मैंने ये डिलीवर किया, फिर कस्टमर ने मुझे इस प्रकार से बोला, एक दिन का बचाओ मुझे शुरू से अंत तक। हाँ सर, मैं कल का बारे में आपको सर बोलना चाहता हूँ सर। मैं कल एक्चुअली सुबह सर 6:30 को ऐसा उठ के आया, उठ के आने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने दिया, देने के बाद मैं ले के गया सर, फर्स्ट ऑर्डर सर, मेरे फर्स्ट ऑर्डर का बारे में आपको बोल रहा हूँ सर। तो ले के जाने के टाइम पे मेरे को, नहीं फर्स्ट ऑर्डर में क्या था सर? क्या था बोले तो 3 किलोमीटर था उसका। और ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर में सर ये ग्रोसरीज का था सर। ग्रोसरीज का था, ठीक है। तो उसमें देने के बाद मैं लेके गया सर। कितना बड़ा ऑर्डर था सर? ज्यादा बड़ा नहीं सर, एक 700 का कुछ था सर। तो ले के मैं जा रहा था, तो जाने के बाद कस्टमर मेरे को, आपने कहां से उठाया ऑर्डर सर? रूट नंबर 4 से सर, इंस्टामार्ट से सर। ठीक है। तो ले के मैं जा रहा हूँ सामाजिक गुड्डा सर। ठीक है। तो ले के जाने के बाद मेरे को बीच में कस्टमर फोन किया, फोन करके बोल रहे भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ बोल के।
तो मैं बोला मैडम ठीक है, मैं मेरा तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। तो एक्चुअली इंस्टामार्ट वाला ही मेरे को लेट किया सर थोड़ा देने के लिए, जो उन लोग का सामान पैकिंग कर रहा है। तो मैं जा रहा होता, जाने का टाइम पे क्या हुआ सर, एक्चुअली सिग्नल में मैं रुक गया। तो फिर से कस्टमर मेरे को फ़ोन किया, भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बोल के। तो मैं जा रहा था तो सामने से एक सर कुत्ता आ गया सर बीच में। तो मैं ब्रेक मारने के टाइम पे मैं गिर गया। तो गिरने के बाद कस्टमर का थोड़ा सामान सर डैमेज हो गया। तो मैं कस्टमर को कैसे, बोला क्या क्या डैमेज हुआ उसमें? उसमें सर ये था सर, आटा का, आटा था तो उसका पैकेट था सर, वो डैमेज हो गया, फट गया। हाँ सर फट गया। तो फटने के बाद मैं कस्टमर को फ़ोन करके बोला ऐसा मैडम मैं आने के टाइम पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा फट गया और गिर गया, तो अभी क्या कर सकते बोल के उनको बोला। तो उन्होंने बोला तुम रिटर्न ले लेके चला जाओ इंस्टामार्ट को, मैं तो ऑलरेडी पे कर दिया, मेरा तरफ से कुछ भी नहीं, आप नहीं तो मेरे को फिर से सामान ले लेके आके दे बोल के बोल रहे इंस्टामार्ट से। तो इंस्टामार्ट में मैं ले लेके गया तो इंस्टामार्ट वाला बोल रहे देखो इनको कस्टमर को बोलो कंप्लेन करने के बाद, उसके बाद होता, हम लोग का तरफ से नहीं होता। तो कस्टमर भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, इंस्टामार्ट वाला भी सर नहीं सुन रहा है। तो उसका बीच में क्या हुआ, मैं उनको पे करके देना पड़ा सर। तो कितना पैसा दिया आपने सर? ऐसा सर 300 चेंज सर, 300। हाँ सर। तो वही सर हम लोग का फिर क्या हुआ, फिर मैं उनको जाके डिलीवरी दे दिया सर। ठीक है। देने के बाद कल एक्चुअली हम लोग का 50 ऑर्डर्स का था सर इंस्टामार्ट का। तो 50 ऑर्डर्स सर मेरे को मारते मारते नाइट 6 to 12-10 हुआ सर। खाना आपने कहाँ खाया? खाना बोले तो सर बीच में तो हाफ एन आवर्स ब्रेक ले लेके उसमें मैं खा लिया सर। और खाना कहाँ से आया, ढाबे से लिया या घर से लाया? नहीं नहीं सर घर का ही छे सर। घर से क्या खाया आपने घर? सर रोटी लाया था उसके बाद दाल सर। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद? फिर उनको दे दिया, दे के आके मैं इधर से दूसरा ऑर्डर कंटिन्यू किया सर। और एक प्रॉब्लम हुई है सर जो इंश्योरेंस का बारे में, अभी मेरे को रूट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया कोई भी नहीं, हमारा कंपनी वाला भी नहीं सुनते। जब आपका एक्सीडेंट हुआ चोट लगी आपको? हाँ सर। क्या कहाँ लगी? इधर ही लगा था सर। अच्छा वो ही फटा हुआ है जो? हाँ सर। हाँ तो और बताओ? कंपनी को मैं ऐसा फोन करके भी बोला ऐसा ऐसा हुआ बोल के, तो कंपनी वाला कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया सर। तो ये इंश्योरेंस के बारे में सर बहुत बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि अभी मैं रूट में जा रहा हूँ, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया सर नहीं बोल सकते सर। तो ऐसा हो गया तो कंपनी वाला कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा है सर, जैसा कि पीएफ या एसआई कुछ भी नहीं दे रहा है उन लोग सर। और ऊपर से सर टीटीएस बोल के एक है एडजस्टमेंट, वो भी हम लोग से उन लोग ले रहा है सर, हर मंडे मंडे कट कर रहा है उन्हों। तो आपका कहना है कि पूरा का पूरा रिस्क आप ले रहे हो? हाँ सर पूरा का पूरा खुद मतलब का रिस्क है सर। एक्सीडेंट हो जाएगा आपको चोट लगेगी। हाँ सर। खाना गिर जाएगा, डिलीवरी खराब हो जाएगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ सर। आप बीमार हो गए, आपका रिस्क है। हाँ सर। और जो आपका फायदा हो रहा है वो सबसे ज्यादा कंपनी का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है, और आप बीच में धसे पड़े हो। हाँ सर। मतलब 21वीं सदी की गुलामी है एक प्रकार से। हाँ सर। और एक प्रॉब्लम क्या है सर, अभी मैं ले लेके गया कस्टमर का प्लेस में, तो कस्टमर उधर जाने के बाद कभी कभी कैंसिल कर देते सर। वो कैंसिल प्रोडक्ट भी मैं उधर से 8 किलोमीटर गया तो भी रिटर्न फिर से वो रेस्टोरेंट को ले लेके जाना सर, और रेस्टोरेंट को ले लेके। पेट्रोल का पैसा आपका है? हाँ मेरा ही छे। वो भी ले लेके तो कंपनी पेट्रोल को लेके लिए आपको कुछ नहीं देती? कुछ भी नहीं देते सर। अच्छा। वो भी हम लोग को क्या पेट्रोल सब कुछ जाता, ऑर्डर भी नहीं आता सर काउंटिंग में ये। और ऊपर से क्या कस्टमर, तो अगर कस्टमर कैंसिल करता है हाँ सर, तो पूरा का पूरा बोझ आप पर जाता है। हाँ सर। और ऊपर से क्या है, कस्टमर का थोड़ा लोकेशन गलत हो गया सर, हम लोग अभी डिलीवरी मार दिया सर, दूसरे को मिस्टेक हो गया तो ना आईडी भी बंद कर देते सर 2 डेज के लिए सर, आईडी भी बंद है सर 2 डेज के लिए, काम पे भी नहीं जाना सर। नहीं आईडी बंद मतलब वो दिखाएंगे नहीं लोगों कस्टमर को आपका? हाँ। मतलब आपका आप निकल जाओगे सिस्टम? हाँ, से सर सिस्टम से मैं निकल गया। अच्छा और ये क्यों निकले निकलते हो आप? सर कभी कभी क्या होता सर मिस्टेक हो जाता सर, ये अभी फ्लैट नंबर पे मैं ले लेके गया तो उन्होंने नहीं है, उन्होंने क्या बोलते हैं दूसरे जन को ऐसा दे दो बोल के, तो उन्होंने दे के आया तो उन्होंने बाद में फोन करके बोलते मेरे को ये नहीं मिला प्रोडक्ट नहीं मिला बोल के, जैसा भी सर उसमें ओटीपी कुछ भी नहीं है सर। अभी कस्टमर को मैं दिए तो किसी का उसमें है ओटीपी दिए तो कन्फर्मेशन हो जाता उन्होंने मिल गया बोल के। तो हम लोग का स्विगी में वही सर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसा कि अभी नाइट में मैं ले लेके जा रहा हूँ सर, कोई ऐसा दारू पी लेके रहते सर, उन लोग सर ज़्यादा करते हैं ये। ठीक है और कोई कुछ कहना चाहता है सर? वही सर, ये तो आप हम लोग का तो लिए सर थोड़ा इंश्योरेंस का बारे में करे तो सर बहुत खुशी होंगे हम लोग सर। तो राजस्थान में हमने
हम एक नया कानून लाए हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। उसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स को हमने बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, गिग वर्कर्स को हमने एक कैटेगरी में बना दिया है। और जब भी आपका ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में से राजस्थान में थोड़ा सा पैसा परसेंटेज कंपनी की ओर से निकाल कर आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए चला जाता है, आपके पेंशन के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए। और वो हर ऑर्डर में बनता है। तो जैसे आपने मान लो आपने स्विगी के लिए काम किया और फिर आप जाके स्विगी को छोड़ के कहीं और गए, तो वो जो आपका पैसा आपके नाम में जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उधर। तो वो आपके साथ जो आपका आपकी जो सेविंग्स है वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसमें वहाँ पे हमने इंश्योरेंस भी दे रखा है और अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं। तो ऐसा कानून हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कानून हम बना सकते हैं। मगर आपकी बात मैं समझ गया कि बेसिकली आप बीच में फंसे हुए हो, इस साइड से कस्टमर का दबाव आता है, उस साइड से कंपनी का दबाव आता है, और बेसिकली आपके उसमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस और आपको आपके लिए वेलफेयर बोर्ड भी खोला जा सकता है यहाँ पे, कि जो आपके इश्यूज हैं वो उसको रेज कर सकें, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक एक बार यहाँ पे सरकार बन गई तो हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनेगा, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं, आपके साथ उनको बैठा देना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब आप बताइए कौन बोलेंगे। మీలో ఎవరు మాట్లాడతారు, మాట్లాడేవారు ముందుకొచ్చి నిలబడి మాట్లాడండి అమ్మా, కూర్చోండి కూర్చోండి। నమస్కార్ సార్, నమస్కార్, కేసే ఆప్ అచ్చే హం సార్, బతాయే। మై జవానీ మే సే చార్ చార్ సౌ సే కామ్ కర్ రహా హూం సార్, మై బుడ్డీ యహాన్ పే హో గయీ, 400 సే 400 తన్ఖా తే సార, 400 తన్ఖా, जब से काम कर रहा हूँ साहब, शुरुआत से, शुरुआत से बदला नहीं हुआ, हाँ, इंक्रीज नहीं हुआ बिल्कुल, नहीं सर। अच्छा, मेरे बच्चों के लिए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ साहब, मेरे बच्चों को जिंदगी के लिए। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे तो अब तो शादी शुदा है, दो बेटे एक बेटी। मदद करते हैं आपकी? नहीं करते सर, नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। हमारे बेटी का भी जरा किडनी फेल्यूर है, 6 साल डायलिसिस करके फिर ऑपरेशन। कितना पैसा लगा आपका बेटी के लिए? 4-5 लाख लग गया सर। तो कैसे आपने ये पैसा दिया? कैसे बोले तो थोड़ा बहुत मैं मेहनत, मेरा बेटा, एक बेटा जरा अच्छा रहता, वो बेटा मैं। वो क्या करता है? वो बेटा रेस्टोरेंट में ऐसे ही काम करता है। ये इनका काम करता है? नहीं, डिलीवरी का काम करता है, दूसरा रेस्टोरेंट में काम करता है। हाँ, रेस्टोरेंट में। वो बच्चा मैं करके उसका तबीयत ठीक हो गया सब, अब उसको एक बेटा है, मर्द भी छोड़ दिया बेटे को लेके, अब नर्स और, काम। और आपके पति? मेरा पति भी नहीं है सब, छोड़ के चले गया। आपको पेंशन मिलता है? नहीं मिलता सर, पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलता आपको? कोई पेंशन नहीं मिल रहा सर। आपके महीने की कमाई कितनी है? कमाई अभी सब मिला के, हाँ सब मिला के बस 13-14 हज़ार, ठीक से काम करे तो। अच्छा, उसमें आप बीमार भी हो जाती हैं? बीमार भी होए तो कट हो जाता सब, कट होता है। कितने दिन आप बीमार रहती हैं? बस दो महीने में कितने दिन बीमार होती हैं आप? 2-4 दिन उठ के चले जाते सब, काम को, काम करे तो इस पेट को मिलता ना सब। अच्छा, बच्चों के लिए भी। और आपके शरीर में दर्द होता है? होता सर। कहाँ होता है, पीठ में होता है? नहीं, इसमें दर्द होता सर, पूरा ऐसा झाड़ू लेके मारते ना सर, सुबह 6 बजे से 5 बजे दम गिरना हमारे को। 5 बजे जाती हैं आप? 5 बजे तंब आता, उसके बाद कभी खड़े होके ही चाय पी लेना। जैसे इन्होंने मुझे समझाया ना बहुत अच्छी तरह कि इनका एक दिन कैसा होता है, आप मुझे बताओ। बताता हूँ सर, सुबह जैसे एक दिन लो, कल परसों 10-15 दिन पहले, एक दिन जो आपको, जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहती हो, एक दिन का बताओ पूरा सर।
तो हम लोग 3:30 बजे उठते सर, 3:30 बजे उठ के बच्चों को खाना वाना बना के बस घर से हम भी मुंह हाथ धो लेके जरा फ्रेश होके निकल के आते सर, आके बैठ जाते। कितनी दूर जाती हैं आप घर से, कितना दूर है आपका काम? से जब फिल्म नगर बोले तो अब 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर कैसे कैसे जाती? ऑटो से। ऑटो से कितना पैसा लगता है आपका उसमें? ऑटो से 30 रुपए लेता यहाँ तक का। वो बढ़ता जा रहा है? हाँ अभी भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो 10-15 जने मिलके एक के ऊपर एक बैठ के आते सर। अच्छा, ऑटो में शेयर करते हो? शेयर करके आ जाते सर। वैसा ही 30 रुपीस, 30 रुपए। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद आके यहाँ पे बैठ जाते अड्डे पे, बैठे तो सुपरवाइजर आके थंब लेता हमारा। थंब लेता है? थंब लेता, हाजरी। किस पे लेता है? मशीन लाता सर। मशीन कंप्यूटर सा है? हाँ, मशीन छोटा सा। उस पे आप ऐसे करते हो? हाँ, ऐसे करना। वो अटेंडेंस गया सर का, जब जाके 5 बजे से लेके 11 बजे चाय को थोड़ा चाय पी लेते सब, सुबह से कुछ नहीं। चाय कितना का लेती हैं आप? 10 रुपए। 10 रुपए, 10 रुपए चाय। ठीक है, कोई सुबह खाना? अच्छा, क्या खाती हैं आप? खाना कुछ नहीं सब, बिना खाना। बिना खाना 1 बजे हम लोग काम से उतरते जब एक जगह बैठे जब खाना खा लेते। और क्या खाती हैं आप? दाल चावल। दाल चावल ढाबे में? ढाबे में नहीं सर, घर से लाते? घर से ला लेते, वही बना के लाते सब। अच्छा, सुबह सुबह। ठीक है, खाने के बाद फिर 1-1.5 बजे आके फिर थंब लेता हमारा। अच्छा, सुपरवाइजर लेके फिर भिजा देता घर को। अच्छा, खाने के कितने घंटे काम करती हैं आप? 12 घंटे सर। 12 घंटे। और क्या 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 झाड़ू लगाती हैं? क्या क्या करती हैं? झाड़ू करते, पूरे मैदान झाड़ना, रोड झाड़ना, सब कुछ। कितना गंदा रहता साहब, हम लोगों को एक एक बार उल्टी आ जाता, चक्कर आके गिरते, धूप मारता, थोड़ी देर बैठे तो भी नहीं हाजरी देते, ऐसा हो गया साहब हमारा। हमारे को कुछ ना ही करो, आप आए तो क्या, अच्छा क्या, क्या करना चाहिए? क्या करना बोले तो साहब, हमारे को परमानेंट नहीं है, इतने सालों से कर रहे। मैं तो आप में से कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है? टेम्परेरी है सब। कभी भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते सब। अभी बोले तो अभी आपसे बात कर रहे बोले तो भी कोई देख रहे, देख के क्या बोलते, तुम उधर बात करे ना, निकाल दिया, निकल जाओ, कहीं को गए तुम मीटिंग में बोल के बोलते सब। ऐसा है हमारा जिंदगी। हमारे को दया करके परमानेंट करो और तनख्वाह भी बढ़ा के हमारे को खुशी करो सब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो गए सब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा तेलंगाना को आए, बहुत अच्छा लगा हमारे को। धन्यवाद, धन्यवाद। और नवीन यादव बच्चा हमारे को बहुत अच्छा देखते। अच्छा, उनके लिए हम लोग आए सब। ठीक है, क्यों बोले तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारे को कुछ भी गड़बड़ है साड़ियाँ देते, वो बांटते उसको बर्थडे को, किसको भी तभी कुछ मुसीबत आए तो वो नवीन यादव का नहीं जाते सब हम लोग। ठीक है, जाके उनसे धन्यवाद हमारे को करते। और कोई बोलेगा? आप बोलेंगे? बोलो। नमस्कार राहुल साहब, मेरा नाम इस्माइल है। आवे हम पे आ रहे बोल के हमारे श्री किरण यादव नवीन अन्ना यहाँ पे हमारे को विजिट करने लगाए थे। हम लोग हैं GSMC सैनिटेशन में 15 साल से काम कर रहे साहब। हमारे को जो भी है तनखे में कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये जो लोकल लीडर से तेलंगाना डबल बेडरूम देते हूँ बोले, वो तेलंगाना डबल बेडरूम भी नहीं है। ये हमारे को आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक राम की प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी रहता साहब, और मैले इंफ्रा प्राइवेट कंपनी बोल के एक रहता साहब। ये पूरे दोनों लोग मिलके बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी वाले केसीआर साहब के जेब भराने के लिए तेलंगाना सरकार में तैयारी हो गए। हमारे को कभी भी खतरे के जैसे देखते साहब, हमारे को कोई अच्छा नहीं देखते हमारे को। हम सुबह 3:30 बजे रेडी होके ड्रेस पहन के। आप प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हो? हाँ सर। आप सब करते हो कॉन्ट्रैक्ट पे? हाँ, सब लोग। ये पूरा राम की वाले ही देखते साहब, ये GSMC का। अच्छा, जो तेलंगाना सरकार डबल बेडरूम दे तुम बोले भी नहीं दिए, कुछ भी हमारे को साथ में नहीं है। वो आता सुपरवाइजर डिजिटल लेके आता, थंब डालो बोलता, फिंगरप्रिंट थंब डालते, फिर बाद में कोई हेल्थ खराब है 2 दिन हम डुमा मारे। तो आपकी पिछली बार हेल्थ कब खराब हुई? तो 3 साल के बाद। क्या हुआ? थोड़ा ऐसे ठंड में अपन 3:30 बजे ऐसे आते ना साहब, सर्दी हो के बुखार, अच्छा 2 दिन घर में रेस्ट लिए तो भी उसको हाजर डिस्मोशन कर देते सुपरवाइजर लोग। तो पैसा उसका नहीं मिलता? उसका पैसा नहीं देते साहब।
और बताइए। हाँ वही है साहब, हमको जरा रास्ता बताओ। पहले जो वही एस राजशेखर रेड्डी साहब के सरकार में कैसा था कांग्रेस गवर्नमेंट, फिर भी वैसी आना बोल के देख रहे साहब पब्लिक पूरा। आप बताइए, आप कुछ बोलेंगे? नमस्कार सर, नैन इंडल पनचे सर आर नर होता ऐद गंटक होता मेम इंडल पनचेकोने दाका नाको इधर अम्मा और अबाई తెలంగాణ వచ్చినాక ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. చిన్న అమ్మాయికి 20 దా నాకు చదువు రాదు, నాకు ఇందు రాదు, 20 చదివింది ఆ చిన్న అమ్మాయి, ఆమె కూడా ఇళ్ళలో పని చేసుకుంటుంది, చేసుకొని చదువుకొనికి ఎగ్జామ్ రాస్తుంది. ఆ అమ్మాయికి కూడా ఉద్యోగం లేదు. మా పెద్ద అమ్మాయి 2 ఏళ్ళు అయింది మ్యారేజ్ చేసి, చిన్న పాప పుట్టగానే అల్లుని కొట్టి చంపేశాడు తమ్ముడే. ఇప్పుడు ఇల్లు ఇవ్వమంటే కూడా వాళ్ళ మామయ్య ఇజ్జి అని అంటున్నాడు. నా దగ్గర 15 గజాలు ఉంది సార్, 15 గజాల్లో 2 రూములు వేసుకున్నా, బిందొకటి కింద ఒకటి. ఇప్పుడు ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా పనికి వెళ్ళారు, 5 6 గంటలకు వెళ్ళారు. ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఇక్కడ రావాలంటే కూడా అవకాశం లేదు. మాకు వండుకొని తినేదాకా మా ఆయనకు మొన్న హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, అర్జెంటు డబ్బులు కడితేనే ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. కాదు కక్షమని చెప్పేసి ఒక్కవరినో కాలు మొక్కి ఏలు మొక్కి చేసినాక తర్వాత చెక్ ఇచ్చినారు, 1 లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినారు. 3 లక్షలు పెట్టి 3 సెంట్లు వేయించాను మేడం సార్. ఏక్ సెకండ్ బోలు. जो मैं 4:30 बजे उठ के जाता हूँ, जो मेरे कोई भी तनख्वाही में बढ़ाई नहीं है, जो हमारा बेटा है उसको भी तबीयत ठीक नहीं था, मेरा पति को भी. क्या हुआ बेटे को, क्या हुआ? ये मैं नमनी कुड़क की इंदा के जो पर ना कुड़क का सन कुतुर माँ कुतुर को पर्त चन पे एंड माय हमारा मेरा बेटी का मेरा बेटी का सो उसका पति मर गया, इसलिए मैं उसको भी देख नहीं पा रहा हूँ. उसको भी देखने के लिए जो पढ़ाया ज्यादा पढ़ाया अभी उसको भी कुछ भी. आई कैन टेल इन इंग्लिश, डोंट टेल मी इन इंग्लिश, टेल मी इन हिंदी. उसके बेटे को क्या बीमारी हुई? आपकी पाप के जब वी నా అల్లుడికి నాలుగు బిడ్డలకు ఏం జబ్బు రాలేదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడేకన్నా నా బిడ్డలకు. మన ఎందుకు చనిపోయాడు మీ అల్లుడు? ఆయనని వాళ్ళ తమ్ముడు కొట్టిండో ఏమైందో సార్, రాత్రి మాట్లాడి తెల్లవారు చనిపోయాడు. పోస్ట్ మార్టమ్ ఆయన వయసు ఎంత అప్పుడు? ఇప్పుడు నా బిడ్డదా? నీ అల్లుడిది. అల్లుడిదా? చనిపోయినప్పుడు? చనిపోయినప్పుడు ఎంత ఉంటాడు అంటే 20-30 చిల్లర ఉంటాడు సార్. 30 సాల్ తక్ కరి కరి బన్ కబు అయ్యి ఎప్పుడు అయింది అది? ఇప్పుడు 9 నెలలే అవుతుంది సార్. అంటే 9 మహీనే హువా అభి తక్. అచ్చా ఓకే. ఉస్కే ఉస్కే పత్నికే భీ ఉస్కా పతికా భీ ఆపరేషన్ హువా, జో 3 స్టంట్స్ డాలా, ఉస్మే 3 లాఖ్ ఖర్చ్ హువా, మగర్ గవర్నమెంట్ నే బోలా. పైసా కహాన్ సే లాయి? ఎక్కడ నుంచి తెచ్చావు డబ్బులు ఆ 3 లక్షలు? నేనా సార్? నేను ఇళ్ళల్లో పని చేయంగా జమ చేసి అమ్మాయి పెట్టిన బంగారం అమ్మేశాను సార్. మైనే మేరా బేటికా తో సోనా హై ఉస్ బేచ్కర్ मैं पैसे डाल कर दे दिया, मगर गवर्नमेंट के पास जाके विनती किया, मगर उन्हें 2-3 महीने के बाद 1 लाख रुपए दिया और 2 लाख को भी अभी तक नहीं आया. मैं ऐसे ही काम चल रहा हूँ. मेरे घर में 15 गज का है, उसमें घर बना के मैं सो रहा हूँ बेटों के साथ. मेरे को भी घर चाहिए ठीक. और मेरे बेटे के भी मेरे बेटी को भी सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर इनके लिए एक काम किया जा सकता है तो क्या है? మీకు అన్నిటి అందరి కలిపి ఏదైనా ఒక అవకాశం ఏదైనా ఇస్తే ఏమి ఇవ్వాలి? మా చిన్న అమ్మాయికి ఉద్యోగాలు, మాకు ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు చేయండి సార్. గరిబోళ్ళకు మేము గరిబోళ్ళము, ఎవరు కేర్ చేయరు మమ్మల్ని, ఇళ్ళలో పని చేస్తామని. ఇప్పుడు మా పెద్ద అమ్మాయి కూడా ఇళ్ళలో పనే చేయాలి. సరే మీకేం కావాలి? ఉద్యోగాలు పెద్ద అమ్మాయికి ఇంత ఇల్లు కావాలి, మా అమ్మాయికి, మా చిన్న అమ్మాయికి, మా అబ్బాయికి ఇంత ఉద్యోగం కావాలి. ఓకే ఓకే. హమార బేటోంకు జాబ్స్ చాయే ఔర్ హమార బేటోంకు భీ ఘర్ చాయే. और कोई कुछ कहना चाहता है? ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటారా? ఆ కూర్చోండి కూర్చో, ఒకలు చెప్తున్నా సర్. బోలు. ఇంకా సోకా ప్రాబ్లం ఇన్సూరెన్స్ కై, ఇన్సూరెన్స్ ఇంకొ అగర్ మిలేగా తో బోలు సర్. సమస్యల సర్, ఇంటికి రేగై 4000 కడుతున్నా. 30 సంవత్సరాలకు వెళ్ళి ఒక్కరో బెడ్ రూమ్ ఇస్తామంటారు, ఎవరు వల్కరియారు? ఇప్పుడు ఒకటే వల్కరిస్తారు అంతే. ఇంకా ముపాడ అక్కడ ఏం వల్కరి ఎవరు? ఓకే చిన్సి అక్కడ వాడేశారు మమ్మల్ని.
सेम प्रॉब्लम जो मेरे को जो ये इलेक्शन टाइम पे आते हैं जो लोग बोलते हैं मगर नहीं करते अभी तक दो दो डबल बेडरूम का देना बोला अभी तक किसी को भी नहीं मिला पिछले गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी हमको नहीं किया कुछ भी करने के लिए भी हमारे को उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है कुछ कुछ मतलब आपके लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं మీకు కావాల్సినవి రెండు అవసరతలు ఉన్నాయి ఏక ఆప్కి జో వేజ్ హై ఉస్కో థోడా బడానా అమ్మా అమ్మా కుచో 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 చెప్పావు కదా కుచో అమ్మా సును సును అమ్మా కుచో సును నేను సవాల్ పూచ్ రా విన్ను కుచో అమ్మా మా గవర్నమెంట్ కావాల అమ్మా అమ్మా అదే చెప్తున్నారు కుచోండి అమ్మా మైక్ ఇవ్వు ప్లీజ్ ఇంకా ఎవరైనా చెప్పేటప్పుడు ఇస్తా కుచోండి కుచో ఐ గా మాట్లాడుతున్నారు इनके दो चीजें हैं మీకు రెండు అవసరతలు ఉన్నాయి एक इनका अगर परमानेंट किया जाए तो उनको फायदा होगा మీకు परमानेंट చేస్తే మీకు చాలా అవసరతలు తీరుతాయి और अगर इनकी वेज पीरियोडिकली बढ़ाई जाए तो उसका फायदा होगा మీకు దిన ప్రతి తన్కా రోజు నెల నెల పెంచితే అది మీకు మంచిగా ఉంటది అంతేనా కాదు గట్టిగా చెప్పాలి కొట్టండి ठीक है हम ये चीजों को करने के लिए कोशिश करेंगे మేము మా ప్రభుత్వం తరపున మీకు ఈ విషయాలు చేయడానికి తప్పక ప్రయత్నం చేస్తాము और जैसे हमने उनको कहा వారికి చెప్పినట్లే चीफ मिनिस्टर के साथ हम आपके 200-300 लोगों की बात करा देंगे तो फिर उनको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि करना क्या है मुख्यमंत्री मन वच्चिनप्पुडु तप्पक मी अंदरितो इलागे कूर्चोपेट्टि वारितो मात्लाडिस्तामु मी अवसरतलु वारि मुंदु पेडतां वारु कूडा मीकु सहायं चेस्तारु ठीक है आप बताइए सर नमस्कार सर आप मुझे तो कभी ऑटो में नहीं ले जाते हो जी जी हां हैदराबाद में कभी दिखाओ मुझे सब आपको अभी हमारा स्ट्रगल के लिए 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट था साहब हमारा नाम सिद्धार्थ गौड़ है साहब कैब ड्राइवर है ऑटो पहले चलाया फिर उसे कैब को आया अच्छा आप में से कैब कितने चलाते हैं ऑटो कितने चलाते हैं सर ऑटो वाला ऑटो वाले हाथ उठा के दिखाओ ऑटो सब ऑटो है ठीक है आप कैब चलाते हैं अकेला आया साहब आप मिलने के लिए ज्यादा परमिशन नहीं बोल के साहब ये ऑटो तेलंगाना स्टेट में 15 लाख तक है सर तेलंगाना स्टेट पूरा ये कैब वाला हैदराबाद ये ओनली कैपिटल सिटी में कैब हमारा आईटी सेक्टर एंड ओला उबेर रैपिडो और पोर्टर बोल के भी फोर व्हील ऑटो का भी ये हमारा ड्राइवर कैब ड्राइवर कम से कम 6 लाख तक है सर 7 लाख तक है अभी तक 2014 तक कोई भी सुनने वाला नहीं आया सर ये तेलंगाना स्टेट देने के बाद कोई भी हमारा स्ट्रगल सुनने वाला कोई भी नहीं तेलंगाना सबने स्टेट आया सब पूरा है लेकिन हमारा स्ट्रगल सुनने के लिए आया हमारा भगवान आप ही है सर 10 या 10 ईयर्स का बाद हमारा भगवान आया सब सुनने के लिए सर ये तेलंगाना स्टेट में 2014 में पहले का आदमी या यूसफ गुड़ा आदमी हमारा साथ चलाने था ड्राइवर कैब ड्राइवर उन्हें सुसाइड कर लिया सब ये ओला उबेर तरफ से ये सुसाइड किया कोई भी सुनने वाला नहीं गवर्नमेंट नहीं सुना इंश्योरेंस भी नहीं आया कोई भी 1 रुपये देने वाला गवर्नमेंट भी नहीं देखा आपका पीछे है एक नवीन यादव बोल के हमारा भाई है इधर लोकल लीडर है उन्हें उन्हें आके 50,000 दिया साहब वो डेड बॉडी की लेके जाके आईटेक में उबर कंपनी के पास गया समझो हमको लेके जाके चंचलगुड़ा जेल में डाली 36 डेज अंदर क्यों जेल में क्यों डाला उसको जाके मैं बंद किया साहब इन्हों भी आया हमारे साथ उधर सब पूरा लोग बंद किए तो हमको ला प्रोटेस्ट किया या यस सर कंपनसेशन नहीं दे रहे थे सर तो प्रोटेस्ट करे तो दे हैव फाइल्ड केस एंड दे हैव सेंड देम टू जेल उसी दिन हमारा उबर का आईडी बंद करवा दिया अभी तक खोला भी नहीं है वो उबर में आईडी था ओला में आईडी था तुम ड्राइवर लोगों को लेके आके इधर बंद कर रहे हो प्रोटेक्ट कर रहे तुम यहाँ से नहीं इसमें काम नहीं करो बोल के 10 लाख मैं दूसरों का पास ये पुस्तल ताड़ू बोलते सर ये गोल गिर रख के लेके आया साहब लेके इंश्योरेंस में ले लिया साहब वो इंश्योरेंस वाला भी अभी फाइनेंस में ले लिया ये प्राइवेट और
सब पूरे गवर्नमेंट फाइनेंस वाला भी हम लोग को ज्यादा ज्यादा फाइनेंस डाल रहे, ये भरने को नया रहे। वो एयरपोर्ट से आप जो शमशाबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट में उतर रहे ना, वो एयरपोर्ट से हैदराबाद को लेके आया समझो कस्टमर को 400 दे रहे साहब। 400 में हम लोग यहाँ तक 40 किलोमीटर है दे रहे, 400 डीजल की जा रहे, उधर भर रहे 250 रुपीज, उधर अंदर एयरपोर्ट में टोल गेट बन रहे सब में 250 रुपीज। पहले जॉब से डाल के बोल रहे, 1 वीक का पहले एयरपोर्ट में मैं बंद किया, वो शमशाबाद पुलिस वाला हम लोग लेके जाके बिठा दिया पुलिस स्टेशन में, 2 दिन नहीं छोड़ा सर। अभी तक हमारा ड्राइवर को मारा है, आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, आपको देखना पड़ता है सर। जी जी सब जी। और एक बात सर, ये हम लोग ये ओला उबेर रैपिडो नहीं देना साइज, आप गवर्नमेंट आके गवर्नमेंट ऐप नहीं तो मीटर विधान में देना है, मीटर देना है सर। हमारा 16 to 18 आवर्स काम कर रहे, हम लोग बैक पेन और किडनी का वो आ रहे और बीपी शुगर आ रहे, हार्ट स्ट्रोक आ रहे, मरने का 180 मेंबर्स मर गए सब, अभी तक कोई भी नहीं देखा। आप देख हमारा मेंबर्स किसके मरे सर, वो ऑटो और वो कैब ऑल ड्राइवर सर, हमारा हैदराबाद में काम करने वाला, आईटी सेक्टर में काम करने वाला और पोर्टर में काम करने, फोर व्हील ड्राइवर भी हार्ट स्ट्रोक थे और एक्सीडेंटल से मर गए सब, अभी तक कोई भी 1 रुपये भी नहीं दिए, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देखे। लेकिन आपको एक ही बात साहब, आपको कांग्रेस गवर्नमेंट है, 60 रुपीज का डीजल था, अभी डीजल 100 रुपीज हो गया, पेट्रोल 120 हो गया, सीएनजी गैस 90 रुपीज हो गया, ये सब पूरा इतना बढ़ दिया, इसको जीएसटी विधान में लेके आना सर, जीएसटी में लेना है सर, आप देना है सर। लेकिन हम लोग घर गरीब वाला है, घर देना है सर, घर दे दे देना सर, आप गवर्नमेंट आके एक काम करना सब। सब हमारा ड्राइवर लोग पहले भी प्रेस मीट करवा के बोल दिया, सब गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी को वोट डालूंगा, हमारा ड्राइवर और वर्कर सब पूरा डाल के जीत के ये गवर्नमेंट बिठा देंगे सर। दूसरों को भी बोलने दो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। प्रणाम। हमारा प्रॉब्लम है 2013 में सिटी परमिट अलर्ट करे के 5 लाख ऑटोओं को 2 लाख ऑटोओं को परमिट दिए थे। अब ये तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद वो परमिनेंट के लिए 1,50,000 पेनल्टी बनाना पड़ रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है बोले तो, अब सिटी से दूसरे सिटी से ला के गाड़ियाँ चलाना पड़ रहा सब, कहीं को बोले तो 5 लाख लगा लेके सिटी गाड़ी ले लेके हम चलाना ऐसा कर रहे थे सब। हम चलाए तो अब किराए को लिए तो गाड़ी 400 रुपये ओनर को देना, हमारे को डीजल डला लेने का है सब, बचे तो हमारे को 300 रुपये बचे थे सब। अब आप में से आप सबकी गाड़ी है या आप रेंट लेते रेंटर, हो गाड़ी रेंट लेते रेंटर है, रेंटर है, रेंटर है सब, सारे के सारे रेंटर हो, मतलब किसी और की गाड़ी चलाते हो? हाँ, दूसरी की ऑटो वो चलाते हैं सर। ऑटो कितने की आती है आजकल? आज सिटी परमिट का रहे तो 5 लाख रुपए है सब, मगर परमिट डिस्ट्रिक्ट का गाड़िया ले तो 2,50,000 रुपए। और जो 5 लाख का जो परमिट होता है, हाँ सर, उसका पैसा वो भरता है, आप भरते हो? आप इस बार हम लोग इस बार फाइनेंस सेक्टर में दूसरे फाइनेंस वाले करते हैं सब, वो क्या बोलते परमानेंट के लिए 1.5 लाख रुपए पूछते, गाड़ी वैल्यू रहता 2 लाख रुपए, परमानेंट से लेके बने तो उसको 5 लाख तक फाइनेंस को बनना पड़ता है सब, हमारे को बहुत मुश्किल है सब। अब तुम मेहरबानी करके 2013 में अपन की गवर्नमेंट रहे जब वो पूरा अपन की 2 लाख की करे थे, 2 लाख ऑटोओं को करे थे परमानेंट, अब फिलहाल तेलंगाना गवर्नमेंट में KCR बोले थे हमारे को परमानेंट आइस निकालते तुम बोल के बोले थे, अब तक पूरा सता रहे साहब, आप परमानेंट नहीं है हमारे से बात कर रहे हैं वाले नहीं है, तुम आके आप बात कर रहे हैं साहब, पूरा मेहरबानी है साहब। अब वो प्रॉब्लम है सर, मेन प्रॉब्लम बगर सिटी से ले लेके गाड़ियाँ चलाना बोले तो चलाना गिरते, अब जुलुमा चलाते यहाँ के गवर्नमेंट पे, अब किधर भी गए तो हमारे ऑटो वाले को चीपीस देखते सब, हमारे को बस से यहाँ से वहाँ गए तो 80 रुपये बस से, वो ही रुपये में हम काम कर लेना सब। अब एक ऑटो ड्राइवर को भी डबल बेडरूम का घर भी नहीं आया फिलहाल, सब जने को यहाँ पर TRS गवर्नमेंट पे कौन है उनको ही सारा, हम ड्राइवर से हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे कहीं कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, हम भी जीने कैसे, हम भी नए जवान है ना सब, हम भी ड्यूटी नहीं है तो हम उपाधि के लिए ये काम कर ले रहे साहब। अब तुम्हारे गवर्नमेंट पे कुछ करना है साहब, हमारे को परमिट रद्द करना साहब। आपके जो पेंडिंग चालान होते हैं, हाँ साहब, वो काफी हैं आपके ऊपर? हाँ, सबके पास सबके लगे हुए हैं चालान पेंडिंग वाले? हाँ सर। अच्छा, और कोई बोलो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सैयद मुजम्मिल है। मेरा प्रॉब्लम क्या है बोले तो सर, ये जो गैस LPG का जो गैस है 70 रुपीज़ है, थोड़ा वो कम हुआ तो अच्छा रहता।
पहले 31 रुपीस था, अब है सो समा 70 रुपये है। और जो गाड़ी का रेट भी है, पहले 2 लाख रुपए था, अब 5.5 लाख रुपए है। अब किराए के गाड़ियों में बोले तो एलएनजी की बात कर रहे हो या एलपीजी? नहीं, एलपीजी, एलपीजी के बारे में बात कर रहे हो। एलपीजी चलता है? हाँ, एलपीजी चलता सर, ये पूरे गाड़ियों में है। सीएनजी के भी गाड़ियां हैं सर। हाँ, मगर क्या है बोले तो वो गैस का रेट अभी 70 रुपीस है सर, और गाड़ी का रेट वगैरह भी थोड़ा 5.5 लाख है, और किराए पे चलाए तो 500 रुपीस देना डेली। हम 800 हज़ार रुपये कारोबार करते, वो हिसाब से क्या है, ज़रा थोड़ा रेंट उसका कम हुआ तो अच्छा रहता बोल के ऐसा। और उसके ऊपर इंश्योरेंस भी, पहले 253 तक था, अब 14 हज़ार रुपये है उसका इंश्योरेंस भी गाड़ी का। ये प्रॉब्लम है सर। अच्छा, आप बताइए, आप बताइए, आप बोलो, आप शर्माओ मत। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? मेरा सीएनजी का गाड़ी है। हाँ, अब हम स्कूल को चलाते हैं रोड पे। अभी परसों डीजल गाड़ी चला रहा था। हाँ, परसों गाड़ी पकड़े थे, 5 लाख रुपए से अपना बोल, ये आउट ऑफ स्टेट का है गाड़ी, वो इधर नहीं चलाना, तुम स्कूल को कैसे चला रहे बोल रहे थे। मैं बोला साहब स्कूल को है, ये गाड़ी भेज देता हूँ, सिटी का गाड़ी लिया परसों 5 लाख रुपये लगा के, अब उसको महीने को 13 हज़ार रुपये ईएमआई बनना है। स्कूल का चला रहा हूँ, थोड़ा आपका कुछ ईएमआई का आपका रेट क्या है? मेरा गाड़ी का 5 लाख रुपये कीमत है, उसको 2.5 लाख बना है, 2.5 लाख रुपये फाइनेंस बनाया गाड़ी। नहीं, उसमें ब्याज कितना देते हो आप, परसेंट कितना देते हो? महीने को 150 डेढ़ रुपया ईएमआई, इंटरेस्ट 1.5 रुपया गिर रहा है। एक बार ये ऑटो ड्राइवर से आप गुस्सा रहे थे साहब, तुम शेड डाल लेके एक बार अभी करते हैं, अभी करते हैं, पहले इसको खत्म कर देते हैं। वो ही जरा गाड़ी का रेट कम कर दिए तो हमारे को भी जरा। अच्छा, और कोई सुना ना? नमस्कार सर, मेरा नाम श्रीधर है। अब जितने भी हमारे ड्राइवर्स है सर, उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड नहीं है सर, वो वेलफेयर बोर्ड हमने अपने मैनिफेस्टो में आपके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की है, तो वेलफेयर बोर्ड तो हम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, और दूसरा हमारा प्लान है कि 12 हज़ार रुपये ऑटो ड्राइवर्स को हम दें। हाँ, ये हमारी प्लानिंग है। और तीसरी चीज़ सिंगल परमिट पॉलिसी, और आखिरी चीज़ जो आपके पेंडिंग चालान है उसको 50% पे ख़त्म करने का, ये हमारा प्लान है आपके लिए। हाँ, ठीक है, देखते जो भी हाँ। है ओनर कम ड्राइवर्स है सर। हाँ, इससे पहले पिछले टीआर गवर्नमेंट पे दिए थे सर, अभी तक ये अपने ये हुकूमत जो आने वाली। हाँ, अगर आ गए तो सब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। कुछ भी अगर वेलफेयर बोर्ड के हिसाब से दे दिया गया तो नहीं, वेलफेयर बोर्ड तो हम कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब देने के लिए, अगर यहाँ पर बेरोजगारी भी है बहुत कुछ, कम और ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कभी कमा सकते हैं कभी नहीं कमा सकते हैं, और इन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए एक इंश्योरेंस ESA PF वगैरह ऐसा वगैरह, और रोड्स भी सही नहीं है सर, और जितने भी है यहाँ पे किराए पे है, और उन लोगों के लिए डबल बेडरूम वगैरह कुछ भी अगर कर दिए तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने इनको और इनको कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो चीफ मिनिस्टर के साथ, मंत्रियों के साथ आपको बैठा देंगे। हाँ, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आपके लिए भी हम एक प्लान निकालेंगे। और इसमें थोड़े बुजुर्ग लोग भी है सर। हाँ, बुढ़े लोग हैं सर। हाँ, हाँ, तो आज उनके हिसाब से भी अगर उनको पेंशन और थोड़ा बढ़ के भी अगर दे दिया तो, क्योंकि उन लोग भी बहुत मुश्किल से गाड़ी ले लेकर रोड पे आ जाते हैं सर। ठीक है, हम पूछते हैं कि कई बार बड़े में आप कई को आए, आपका एज ये है, बोलते तो क्या करें बेटा, हम निकल जाने, अपने ये नहीं रहे तो कहाँ से लाएंगे। ठीक, इसलिए हमारे को भी बड़े लोगों को भी लिए कुछ भी एक पेंशन के हिसाब से, हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए भी, हर तेलंगाना में भी एक इंश्योरेंस के हिसाब में भी और पेंशन के हिसाब में भी अगर कुछ भी हेल्प कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वो कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब आप अगर बैठेंगे तो मैं बीच में आप आके आपके साथ फोटो कर दूंगा, फिर मैं आपकी शर्ट भी पहन लूंगा। ठीक है, अभी आप बैठे रहिए। हाँ सर,
మీరు అక్కడే కూర్చోండి ఆ బయట ఉన్నోళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి